स्वागत है आपका नेशनल एपिसोड 8 में या फिर 9 याद नहीं मेरे को, पर आज का सेशन मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में से एक है। आज हम 265 या फिर 270 केजी का डेडलिफ्ट लेने वाले हैं सिंगल, और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि नेशनल रिकॉर्ड 66 जूनियर का 275 है, और जस्ट मेरे को 3 मंथ्स हुए मेरे 2025 नेशनल के प्रेप के बाद प्रॉपरली प्रेप करने को। सो होप फॉर बेस्ट। अभी ये क्या चल रहा है, नवंबर ना, नवंबर स्टार्ट होगा, एंड ऑफ द अक्टूबर में है हम, और अभी भी हमको न्यू डिस्ट्रिक्ट अगले साल के डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 महीने है। सो होप फॉर बेस्ट। 265 या फिर 275 बहुत इजी मारना है। So guys, आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी पहले बोला है कि मैं मेरी हैवी ट्रेनिंग के लिए मैं यूज करता हूँ बिग मसल का ब्लैक कार्ड। ये बहुत सही है, इतना तगड़ा पंप देता है और पूरा फोकस रहता हूँ लिफ्टिंग में, और टायर्डनेस बिल्कुल नहीं होता इससे मेरे को। सो आप मेरा कोड यूज कर लो, बी एम करोजे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड हाँ, बिग मसल की वेबसाइट से जाके बाय करना, बिकॉज वहीं पर मेरा कोड यूज होगा। एंड आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। इसे टेस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे, 3 फ्लेवर है, शायद एक सेक्स ऑन द बीच है और एक टाइगर ब्लड है और सब एक और है। सो आप जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे वो जाके बाय कर लो फटाफट, और मेरा कोड यूज कर लेना। इसमें ही नहीं और कोई भी चीज है, जैसे कि नाइट्रिक है, बेस्ट प्रोटीन, फटाफट जाओ बाय कर लो। इसका टेस्ट बहुत सही है यार, मतलब ऐसा लगता है लास्ट वर्क डन, लास्ट वर्क 252.5 लिया है, अभी मेन सेट 265 ले रहा हूँ। होपफुली ये आरपी 9 तक आ जाना चाहिए, और आ जाएगा यार, क्योंकि 252 इतना इजी मूव हुआ है। बट इमेजिन इसके सैटरडे को मैंने 200 का डबल किया था स्पॉट्स, देन अभी कल 165 के 5, देन 175 के 5 स्पॉट्स करके बेंच करके, एंड आज मैं हैवी ट्रेनिंग कर रहा हूँ स्पॉट्स का, लाइक बॉडी पूरा फटी हो गया है। सो अगर ये आरपी 9 पे भी आया, सो फ्रेश बॉडी में आराम से मैं इसको 6-7 पे मार देता। सो लेट्स गो, मारते हैं। ओके, सो मेन से 10 इजी आया, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आया, और अच्छा आ सकता था, लेकिन एक गलती किया मैंने कि मैंने सभी लोग इन लोगों को बोला जो लोडिंग कर रहे थे कि 265 करो, तो उन्होंने गलती से 275 कर दिया था। सो मैंने पहले अटेम्प्ट लिया, उन्होंने बोला तो हैवी फील हुआ, तो उन्होंने क्या हुआ, तो उन्होंने बोला अरे गलती से 275 हो गया, तो मेरा उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट हो गया। देन फिर से 265 लिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो ईजी आ गया। अभी बैक ऑफ लेंगे 240 का 5, बहुत फटी हुआ बॉडी, होपफुली आ जाना चाहिए, देन बेंच है। सो फटाफट लेके खत्म कर दे।
अभी व्लॉग एंड करने की बारी आ गई है, तो मैंने लास्ट टाइम जैसे बोला था कि हर एक व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ लर्निंग टिप या पावरलिफ्टिंग से रिलेटेड बताऊंगा। सो आज का पॉइंट है हमारा ये मैट, मैट दिखा नीचे। सो बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरा शिवम लिफ्ट आईडी है, आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे जाके, कि ये मैट आप क्यों लगा रहे हो। सो मैं आपको बता दूं कि आप इंटरनेशनल स्टेज पे जब भी आप कॉम्पीट करने जाओगे, सो आपको ऐसा ही मैट मिलेगा और उसी पे आपको कॉम्पीट करना है, और उसमें ग्रिप बहुत अच्छा बैठता है। खाली इंडिया में ही वो रेड कलर का कारपेट कोई तो लेके आते हैं जिसमें लेग प्लेसमेंट बिल्कुल लेग ड्रेप बिल्कुल नहीं मिलता है। सो अगर आप इंडिया के हिसाब से कॉम्पीट कर रहे हो तो वो कारपेट पे ट्राई करो, बट अगर आप इंटरनेशनल जाने का प्लान है या फिर आप वो हिसाब से ट्रेन कर रहे हो, सो ट्राई करो कहीं ना कहीं से ये मैट बाय करने को, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको आपकी ट्रेनिंग में आपको पता चलेगा कि आपको लेग ड्राइव कैसे यूज़ करना है या कैसे लेग ड्राइव मिलता है ये मैट की वजह से, सो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा परफॉर्म करने में। इसलिए मैंने ये मेरे कोच से ज़बरदस्ती उससे मंगवाया है, क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर जब मैं इंटरनेशनल खेलने जाऊँगा इंडिया के लिए, सो मेरे को हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज पहले से मेरे को आदत रहेगी मैट की। सो अगर आपको कहीं से ये मैट मिल रहा है तो आप ले लो, और अगर मेरे को ये मैट का लिंक मिल रहा रहेगा तो मैं आपको कंफर्म डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर लेना भी, बहुत लोगों को देख रहा हूँ मैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो फटाफट कर लो। सो मिलते हैं सैटरडे को विद बढ़िया स्क्वाड्स के पीआर एंड बेंच के पीआर के साथ। बाय।